सोलन के चंपाघाट में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। क्षेत्रवासी चौकन्ने थे और वह दिन रात चोरों की तलाश में लगे थे। कुछ संदिग्ध महिलाएं जो चंपाघाट में पहले भी चोरी को अंजाम दे चुकी थी, जिन्हें पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी थी, वह चंपाघाट में घूम रही थी। क्षेत्रवासियों ने उन पर तीसरी आंख से नजर रखी तो जो उन्होंने देखा, उनके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये तीन महिलाएं आई और बड़ी चालाकी से पहले इन्होंने चौकीदार के कमरे पर कुंडी लगाई और बाहरी गोदाम में फैले कीमती सामान पर हाथ साफ करना आरंभ कर दिया और वहां से हजारों रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गई। लेकिन सोलन पुलिस ने उन्हें न केवल ढूंढ निकाला बल्कि चोरी का सामान भी बरामद किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने दो महिलाओं को चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया है। इन दोनों साथी महिलाओं से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं ने जिस कबाड़ी को चोरी का सामान बेचा था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि ये महिलाएं पहले भी चोरी को अंजाम दे चुकी हैं और कानूनी कार्यवाही इन महिलाओं पर चल रही है, लेकिन के बावजूद इन्होंने फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। पिछले कल 14 तारीख को मिस्टर रिपु दमन सिंह हैं, जो कि चंपाघाट के रहने वाले हैं और इनकी स्पेयर पार्ट्स एंड ऑटो रिपेयर्स की दुकान है। इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि 13 तारीख को इनके स्टोर से कुछ सामान चोरी हो गया था, जिसमें सामान में दो रेडिएटर थे, कुछ शटर स्प्रिंग थे, शटर रॉड्स थी और शटर कट पीसीस थे और सरिये के टुकड़े थे, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये इन्होंने बताई थी। और इन्होंने अपनी जहां पे सामान स्टोर किया है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, तो पुलिस ने इस पे जो है केस दर्ज किया था 379 में। और इनको व्यक्तियों को, इसमें दो लेडीज हैं और एक जेंट्स हैं, जिसमें कबाड़िया जिसको इन्होंने सामान बेचा है, जिसका नाम सलीम है, इसको 411 में, और बाकी ये दो लेडीज हैं इनको 379 में अरेस्ट किया गया है, जिसमें आज इनसे कुछ रिकवरी भी हुई है। फर्दर इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पहले भी एक केस यहाँ पे हुआ था लगभग 2 महीने पहले, जिसमें आटा चोरी हुआ था एक आटा चक्की के पास से, उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई थी। बाकी और कहाँ कहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट है इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।